तो लोकसभा चुनाव ऐसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, देश ही नहीं दुनिया की सबसे ताकतवर सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा के लिए बस यही एक रास्ता बचा है। आज मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं दोस्तों, और आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि क्या ये वो टूलकिट होने वाला है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी। कई तस्वीरें होंगी दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने चंडीगढ़ मेयर चुनावों में जो कथित धांधली हुई है, खुलेआम कैमरे के सामने, जो अपने आप में लोकतंत्र के लिए शर्मनाक लम्हा है। दूसरी तस्वीर, तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया, पूछताछ किया। एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता है, हेमंत सोरेन पर दबाव बनाया जाता है, यानी कि विपक्ष पर लोकसभा चुनावों से पहले दबाव बनाया जाए, कुछ लोगों को जेल में भी डाल दिया जाए। और तीसरी बात, ईवीएम्स को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ईवीएम बनाती है, उस कंपनी में भाजपा के 4 अधिकारी काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर जो धांधली हुई है वो मैं आपको बताता हूं। आप में से कई लोग जानते हैं, इन चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आए थे, उनके कुल वोट 20 थे, भाजपा के वोट थे 16। मगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जो कि भाजपा का एक अधिकारी है, कार्यकर्ता है, उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट रद्द कर दिए, इनवैलिड करा दे दिए। और यह सब हुआ कैमरे के सामने, आपके सामने दोस्तों वो लम्हा। यहां कथित तौर पर अनिल मसीह जो हैं, आप देख सकते हैं, बैलेट पेपर्स पर कुछ लिख रहे हैं और फेंक रहे हैं। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने जो इनवैलिड या अवैध करार दिए हैं विपक्ष के वोट, यहां पर वो काम हो रहा था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप किसी वोट को अवैध करार देते हैं ना, तो आपको दोनों पार्टीज के इलेक्शन एजेंट्स को बुलाना पड़ता है और उनसे बात करनी पड़ती है। मगर क्या अनिल मसीह ने यह किया? और जो अनिल मसीह ने किया, क्या बड़े पैमाने पर यही हम लोकसभा चुनावों के दौरान देखेंगे? क्योंकि पहले तो उन्होंने विपक्ष के यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स को अवैध करार दे दिया, और उसके बाद क्या किया दोस्तों वो देखिए। तुरंत भाजपा का जो नेता है, जो विजेता घोषित किया गया है, वो तुरंत गद्दी पर आकर बैठ जाता है, और अनिल मसीह जो है बैलेट पेपर्स को झपटने की कोशिश करते हैं। तभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आता है और वो बैलेट पेपर्स छीन के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उस पर झपट पड़ते हैं और उससे दोबारा बैलेट पेपर्स छीन के अनिल मसीह को दे दिया जाता है, और अनिल मसीह उन बैलेट पेपर्स के साथ भाग जाता है। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो बैलेट पेपर्स में या वोट्स में दिक्कत थी, तो क्या प्रेजाइडिंग ऑफिसर को दोनों नहीं दिखाना चाहिए था? और यह ना भूलें, इससे पहले क्या ड्रामा हुआ था। इससे पहले अनिल मसीह की बीमारी का हवाला देकर चुनावों को 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आप तुरंत चुनाव कराइए और सारी जानकारी हमें दीजिए। और जब चुनाव कराए गए तो यह नजारा दिखा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी वाला दिन है दोस्तों। और मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं कि क्या यही मंजर हम लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखेंगे? यह हो रहा है चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में दोस्तों। यह कोई विधानसभा सीट नहीं है, यह कोई लोकसभा सीट नहीं है, ये सिर्फ मेयर के चुनाव है। और यहां पर देखिए भाजपा ये करती नजर आई कथित तौर पर। राहुल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। जो भारतीय जनता पार्टी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और सांवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। सही तो है दोस्तों, आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की थी, जिसे देश का पहला आतंकवादी बताया जाता है।
और उसी 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में यह नजारा देखा गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, तब एक भाजपा के नेता का पैसा खत्म हो गया था। आप पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसमें वहां जो स्थानीय डीएम है वो सभी दलों से बातचीत करके ये फैसला ले सकता है। मगर ये बैठक नहीं बुलाई गई और उस स्थानीय अधिकारी ने, मेरे ख्याल से सतना की घटना थी, उस स्थानीय अधिकारी ने भाजपा के नेता के पैसे बढ़ा दिए। यह नजारा हमने मध्य प्रदेश के चुनावों में कई बार देखा है, किस तरह से स्थानीय अधिकारी खुलेआम भाजपा के नेताओं की मदद कर रहे थे। और फिर एक सो कॉल्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में यह करता हुआ दिखाई देता है। विपक्ष कह रहा है कि यह देश के साथ गद्दारी है, यह देशद्रोह है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मगर क्या यह किया जा सकता है? और इसी 30 जनवरी को एक और चीज हुई दोस्तों, तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया, पूछताछ चली। एक दिन पहले उनके बीमार पिता लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था, 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। उनकी बेटियों मीसा और रोहिणी ने कहा था कि लालू जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जांच एजेंसीज का दबाव बना हुआ है। राहुल गांधी को भी अलग अलग तरीकों से घेरा जा रहा है, यानी कि बात तय है कि लोकसभा चुनावों से पहले किसी बड़े राजनेता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी कि पहले अधिकारियों के जरिए, जो हमने मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा था, चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में देखा था, अधिकारियों के जरिए नतीजों को आप अपने पक्ष में लाएं, फिर आप नेताओं पर लगातार निशाना साधें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात भाजपा करती है, अजीत पवार अब आपके साथ हैं भाई, देवेंद्र फडणवीस उन्हें जेल भेजने की बात करते थे, अब उनकी बराबरी पे एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, छगन भुजबल उनके साथ बैठे हैं, नारायण राणे, सबसे बड़ी बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार को लेकर कितने मामले थे, क्या हुआ आप भी जानते हैं दोस्तों। विपक्ष के किसी भी नेता पर जब भी कोई दबाव हो, जांच एजेंसीज का सहारा लिया जाए और उन्हें अपने पाले में ले लिया जाए, या फिर अगर जो पाले में ना आए तो उसे लगातार परेशान किया जाए, जिस तरह से तेजस्वी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। राहुल के बारे में तो आप जानते भी हैं ना दोस्तों, किस तरह से उनकी सांसदी छीन ली गई थी, उन्हें घर से बाहर कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे चुनावों में बराबरी कैसे हो सकती है? और अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं, इंतजार कीजिएगा, आगे जाकर ईवीएम को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा, मगर एक और खबर, और ये इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल है दोस्तों। आप जानते हैं कि बीएमसी के चुनाव, यानी कि मुंबई के जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उस पर रोक लगी हुई है, मगर क्या आप जानते हैं 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, मगर ये 500 करोड़ रुपए सिर्फ एकनाथ शिंदे और भाजपा के विधायकों के पास जा रहे हैं विकास कार्यों के लिए। जो विपक्ष है, यानी जो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से जुड़े हुए जो विधायक हैं, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। 500 करोड़ सिर्फ एकनाथ शिंदे से जुड़े विधायक और भाजपा को दिया जा रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह किस सूरत में जायज ठहराया जा सकता है? सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं, विधायकों को विकास कार्य के लिए फंड देने की योजना है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फंड भाजपा और शिंदे सेना के विधायकों को दिया गया है, जबकि उद्धव सेना, कांग्रेस और एनसीपी विधायकों को एक भी पैसा नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है, सवाल किया जाएगा कि भाई ये कैसा विकास है भाई? मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये बराबरी का मुकाबला कैसा है? विपक्ष को पैसा नहीं दिया जाता है, पूरी की पूरी जांच एजेंसीज उनके नेताओं के खिलाफ लगी रहती हैं, जो अधिकारी हैं नौकरशाह वो भी भाजपा के साथ हैं,
और मीडिया और प्रचार तंत्र तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। व्हाट्सएप के जरिए भाजपा ने जिस तरह से जहर फैलाया हुआ है उसकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं आपको लगातार बताते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब विपक्ष ईवीएम पर चर्चा करने की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर चर्चा करने की बात करता है, तो चुनाव आयोग उसे नजरअंदाज क्यों कर देता है? दो खबरें हैं और दोनों चर्चा लायक है। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाती हैं दो पीएसयूज जिसमें एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। एक फॉर्मर सरकारी अधिकारी हैं जिनका नाम है ईएएस शर्मा, उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखा था, यह वो खत है दोस्तों। और इस खत में ईएएस शर्मा ने कहा था कि भाई ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो ईवीएम्स बनाता है उसमें चार अधिकारी भाजपा के हैं, उनमें से एक भाजपा राजकोट का अध्यक्ष है, मनसुख भाई खाचरिया। क्या यह विरोधाभास नहीं है? क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं ये जो ईवीएम के अंदर सोर्स कोड होता है ना, जिसके जरिए आप नतीजे बदल सकते हैं, वो सोर्स कोड किसके पास होता है? चुनाव आयोग के पास नहीं होता है। पत्रकार मीतू जैन ने पूरी पड़ताल की थी और उसके मुताबिक ये सोर्स कोड होता है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स के पास, वो बीईएल जिसमें भाजपा के जो अधिकारी हैं, भाजपा के नेता, वो नौकरी कर रहे हैं। अब अगर ईएएस शर्मा, जो कि एक अधिकारी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? विपक्ष ने एक और सवाल उठाया था, आपको याद है ना विपक्ष की क्या मांग थी? विपक्ष की बहुत सरल मांग थी कि भाई जब आप वोट देते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन दबाते हैं, तब जो बंदा वोट देता है उसे एक वीवीपैट का जो पर्चा मिलता है, उस पर्चे में वो पहले मिलान कर ले इस बात का कि मैंने जिस पार्टी को वोट दिया है वो वीवीपैट में है या नहीं, और उसके बाद उस वीवीपैट के पर्चे को एक बक्से में डाल दिया जाए। क्यों? ताकि कल को अगर चुनावी नतीजों में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो उन वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की जा सकती है। चुनाव आयोग ये नहीं करवाना चाहता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी कह रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो आगे जाकर यह भी कहते हैं कि कम से कम विपक्ष से मिलिए तो सही। जी हां, जो दो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साथ ही वीवीपैट पर्चियों वाली बात, इन्हें मानना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव आयोग विपक्ष से मिल ही नहीं रहा है। सही सुना आपने, मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हम चुनाव को एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष प्रक्रिया कैसे मांग सकते हैं, बताइए। इस कार्यक्रम का मकसद क्या था दोस्तों? पहले चंडीगढ़ मेयर चुनावों के जरिए आंखों के सामने यह सब हो रहा है और कोई मीडिया इसे खबर नहीं बना रहा है, कोई मीडिया भाजपा को कटघरे में नहीं रख रहा है, मेरे जैसे पत्रकार इस पर चीख रहे हैं, बोल रहे हैं। यह खबर नहीं करनी चाहिए थी, बवाल मचा देना चाहिए था, मगर साहब मजाल है। अब भी भाजपा के इस कदम को गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। खबर बनानी चाहिए थी ना, मीडिया को यह भी सवाल पूछना चाहिए था कि भाई जो भ्रष्टाचारी भाजपा के नेता हैं उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता, उन पर जांच एजेंसी कार्रवाई क्यों नहीं करती है, वो क्यों जब भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं तो उनके दाग धुल जाते हैं? यह सवाल मीडिया को पूछना चाहिए। मीडिया को यह भी सवाल पूछना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग विपक्ष से क्यों नहीं मिल रहा है? एक लोकतंत्र है ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। मगर क्या किया भाजपा ने? संसद में जो उसकी ताकत है उसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अब चुनाव आयोग के चुनाव में प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और मोदी सरकार के कैबिनेट का एक मंत्री है। ऐसे में आप बताइए ना, चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? यह बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों। चंडीगढ़ में जो हुआ
वो एक खतरे की घंटी है लोकसभा चुनावों के लिए। और दुख की बात यह है कि इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, मगर हम इस मंच पर सवाल करते रहेंगे। बोल किला आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।